पूरे देश में यह माहौल बन चुका है, ईवीएम धोखा है, चोरी हो रही है बहुत बड़े पैमाने पर। आम भारत के निवासियों के मतों की चोरी हो रही है, ये जगह जगह इस पे बारे में चर्चा है और उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। को डराओ धमकाओ और भाजपा में शामिल कर लो, जैसे ही भाजपा में शामिल होते सारे केस समाप्त। मैं तो बधाई देता हूं वो हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड को, जिन्होंने जेल जाना पसंद किया लेकिन समझौता नहीं किया। ये आदिवासी चरित्र है, वो डरता नहीं है, धमकाने पर कायरता के तरीके से वो समझौता नहीं करता। आज भी वो जेल में है लेकिन डरा नहीं। ये कैरेक्टर है इस देश के संस्कार और संस्कृति का, उन लोगों का जो इस देश के मूल निवासी हैं आदिवासी। हम लोग तो सब बाहर से आए लेकिन आदिवासी यहां का मूल निवासी है। साथियों, इतना ही मैं कह सकता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं बधाई देता हूं जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को उन्होंने उजागर करने के लिए उन्होंने बाध्य किया केंद्र सरकार को और इलेक्शन कमीशन को। अब सारी बातें सामने आ रही हैं, ये भी एक अजीब सी बात है कि देश के बड़े कॉरपोरेट सेक्टर का तो वहां नाम ही नहीं है। आखिर उन्होंने क्या बीजेपी को, कांग्रेस को, किसी को चुनाव में कोई फंडी नहीं दिया क्या? ये भी एक आश्चर्यचकित बात है। शेल कंपनीज से पैसा आ रहा है, शेल कंपनीज का मतलब है कि जिस कंपनी का कोई व्यवसाय नहीं, व्यापार नहीं, कोई मुनाफा नहीं, वो हजारों करोड़ रुपए कैसे दे रहे हैं? ये कहते हैं हम चाल चरित्र चेहरा के लिए पहचाने जाते हैं। जो गेमिंग कंपनीज हैं, सट्टे की कंपनीज हैं, जो लूट रहे हैं, उनसे लगभग 1300 करोड़ या 13000 करोड़ रुपए उन्होंने चंदा लिया, 1300 करोड़ चंदा लिया। साथियों, अब नरेंद्र मोदी जी की पोल खुलती जा रही है, पूरे देश में यह माहौल बन चुका है, ईवीएम धोखा है, चोरी हो रही है बहुत बड़े पैमाने पर। आम भारत के निवासियों के मतों की चोरी हो रही है, ये जगह जगह इस पे बारे में चर्चा है और उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं।